वैसे करण सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द कोर्ट. मैंने सुना है आप अपनी नई फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें आपको एक बहुत ही क्यूट, हैंडसम, डैशिंग एक्टर ढूंढ रहे हैं, क्या ये सच है? सच है, मैं ढूंढ रहा हूँ. सो यू नो हुम टू कॉल. यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, करण को देखा नहीं कि रोल की भीख मांगने लग गए. करण, इन सबको छोड़ो, मेरे साथ कोलैब कीजिए प्लीज. हाँ सॉरी, व्हाट डिड यू से? मेरे साथ कोलैब कीजिए, आई एम अ कंटेंट. ये रोल मांग रहा है, ये कोलैब. You're hilarious, Jaji, Judge Saab. You can call me Judge. की आरज़ू बढ़ती जा रही है, don't you think? ठीक है. अपना काम करो, judgment दो. ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ये court case हम ब्रह्मास्त्र की shooting से पहले खत्म कर लें. Ooh, savage. इल्जाम लगाइए. लगा मुझे, लगा. तो केस शुरू करने से पहले करण जोहर, आप इस पर हाथ रखकर कसम खाइए. कहाँ हाथ रखूं? इतना बड़ा उनको. ओह, ऐसे हो सकता है आपके साथ वो भी सोचा कभी नहीं था. इसमें हाथ रखू? पहले देख तो लीजिए क्या है. क्या है? हाथ रखने से पहले. What's that? ये एक बच्चा है, किड, और हाथ में स्टार है, तो स्टार किड है. और स्टार किड तो आपके फेवरेट है ही, तो सोचा इस पर हाथ रख कर आप झूठी कसम नहीं खाएंगे. हे भगवान, मुझे अगले जन्म स्टार किड ही केजो. क्यूट, आई लव दिस वन, इट्स रियली क्रैकिंग मी अप. मैं इस स्टार किट पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. जजमेंट तो दूंगा ही, क्योंकि मैं सब कुछ जज ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ इस कोर्ट में. ओके, टेक इट बैक. अभी सीधा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2050 में देखेंगे. हिलेर, लव इट. पंचलाइन ओवर पंचलाइन, शी इज किलिंग मी. ओके, प्रोसीडिंग्स प्लीज. तो करण, मुझे बताइए कि आप जब किसी एक्टर को कास्ट करते हैं जी, डू यू जस्ट गो फॉर दैट गुड लुक्स? नहीं, आई ऑल्सो गो फॉर एंटरटेनमेंट. और कभी कभार जी, आई ऑल्सो गो फॉर टैलेंट, लेकिन वो कभी मिलता नहीं. ओके. ओके, मेरे पहले विटनेस जो आ रहे हैं, हार्ड वर्क है उनकी पहचान, टैलेंट है उनकी दुकान पर, फिर भी जिंदगी में रहते हैं परेशान. और उन्होंने करण जौहर पर इल्जाम लगाया है कि वो उन्हें कभी कास्ट नहीं करते. मैं विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा आवाजुद्दीन नवाज को. क्या आप हाय बोलने की कोशिश कर रहे हैं? जज साहब, वसेपुर में ठाए मतलब हाय. वन मिनट, एक्सक्यूज मी, व्हाइल ऑल दिस इज सिंटिलेटिंग एंड एंटरटेनिंग, कैन वी कम टू द पॉइंट? सिंटिलेटिंग मतलब? सॉरी, वो सिंटिलेटिंग साहब खिलाओ ना कभी. वो हु इज दिस पर्सन? क्या सिंटिलेटिंग का मतलब है? एक्सिलरेटिंग. वो तीखा रहता ना साहब. उसका मतलब होता है फैसिनेटिंग. उसका मतलब होता है तड़कता भड़कता. इट ऑल कम्स बैक टू सिंटिलेटिंग. व्हिच यू आर फार फ्रॉम. आपसे बात कर रहा हूं. तड़कता भड़कता. एक मिनट. एक मिनट सुनो. एक्सक्यूज मी. देख, हेलो, वन मिनट पिंकी. टपोरी भाषा हमको भी पता है, तू अपना लुंगी संभाल. हां, तेरा मुर्गा दीवाना हो गया तो फिर पता है नहीं क्या हो जाएगा. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ. आप इतना पिक्चर बनाता है, मेरे को हमेशा रियलिस्टिक पिक्चर करने मिलता है, मेरे को आप अनरियलिस्टिक पिक्चर में क्यों नहीं लेते, मेरे को बताओ साहब. आवाज उद्दीन, आवाज, लेट मी जस्ट कॉल यू आवाज बिकॉज यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इट. मैं ऑडिशन लेता हूँ आपका. सर, आवाज उद्दीन, दीज आर माई प्रोफाइल. आई
ऑलराइट, ये लाइन रिपीट करिए आप आवाज साहब. राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर, चीटर चीटर. राहुल इज अ चीटर, उसकी माँ का उसके राहुल की माँ का. राहुल भी चीटर है साहब, राहुल का बाप भी चीटर है साहब. राहुल रस्तों की जिधर भी मेरे 3,000 रुपये वापस दे दे रहे और तेरी चीटिंग का बदला लेगा ये चाहे. ओ नहीं, तेरी चीटिंग का बदला लेगी मेरी छोटी अंजलि. हमारी अंजलि छोटी है. अगर अगर नवाज भाई कुछ कुछ होता में होते तो अंजलि खुद जाके टीना का मर्डर करके आती. All right. एक लास्ट बार ट्राई करते हैं. फर्स्टली आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आपकी अंजलि छोटी है. आवाज कम बैक इन द स्टैंड. हम एक और बार ट्राई करते हैं. ठीक है साहब. प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है. अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उसे प्यार नहीं कर सकता. तो उठा लेंगे ससुरी को. उठा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उठा लेंगे. और आगे प्यार हुआ तो ठीक है, ना तो उसके बाप को फोन करके फिरौती का पैसा मांगेंगे, जिएंगे अपनी जिंदगी.